हेलो एवरी वन टुडे वी विल स्टार्ट विथ जी एस घुरे हिज फुल नेम वॉज गोविंद सदाशिव घुरे ठीक है जो जी एस घुरे थे उनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरे था एंड ही वॉज बॉर्न ऑन ट्वेल्थ नवम्बर एटीन नाइन्टी थ्री एंड ही डाइड इन द ईयर नाइनटीन एटी थ्री एंड ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली ठीक है देन ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशलॉजी इनको इंडियन सोशलॉजी का फादर भी कहा जाता है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डॉयन ऑफ इंडियन सोशोलॉजिस्ट मतलब डोयन मीन्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन देन एम एन श्रीनिवास हु वॉज वन ऑफ इज स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि एम एन श्रीनिवास जी एस घूरे के स्टूडेंट रहे हैं एंड ही सेड दैट घूरे वॉज अ जाइंट बहुत महान इंसान थे घूरे ठीक है देन मूविंग ऑन टू इज प्रीवियस लाइफ जो घूरे थे वो कैम्ब्रिज गए थे फॉर वॉट फॉर परसुंग हिज डॉक्टरल ठीक है वो डब्ल्यू एच आर रिवर्स के अंडर में काम कर रहे थे बट बिफोर ही कुड कम्प्लीट हिज डॉक्टरल थीसिस रिवर डाइड ठीक है एंड देन ही कंप्लीटेड हिज पी एच डी अंडर ए सी हैडन ऑन द कास्ट एंड रेस इन इंडिया कास्ट और रेस इन इंडिया इनके टॉपिक का नाम था इनकी थीसिस का ठीक है ऑन विच ही कम्प्लीटेड इट अंडर ए सी हैडन देन लेट्स सी ही इस कॉन्ट्रीब्यूशन की सोशालॉजी को उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोशालॉजी इन बॉम्बे वॉज डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जी एस घूरे जी एस घूरे के लीडरशिप में ही बॉम्बे यूनिवर्सिटी में फ्लरिश किया सोशॉलॉजी ने ठीक है देन ऑल द सेकेंड जनरेशन सोशालॉजिस्ट जो सेकेंड जनरेशन सोशॉलॉजिस्ट हैं जैसे कि एम एन श्रीनवास इरावती करवे ए आर देसाई के एम कपाड़िया आई पी देसाई ये सब लोग जितने भी हम बड़े नाम सुनते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑल वर् स्टूडेंट्स ऑफ जी एस घुरे ठीक है इनके अंडर में सबने आ, काम किया हुआ था ठीक है देन ही वॉज ऑल्सो अ इंस्टीट्यूशन बिल्डर ये इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे कैसे बिकॉज जी एस घोरे के अंडर में ही वॉज द चीफ आर्किटीटेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एट द बॉम्बे यूनिवर्सिटी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्होंने ही लीड किया था इनके अंडर में सोशोलॉजी डिपार्टमेंट बना था एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो इनके अंडर बहुत सारे जो इनके स्टूडेंट्स रहे हैं ये सब भी वेरियस डिपार्टमेंट पूरे इंडिया में जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर ये लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर दूसरा काम ऐसा करते रहे हैं ठीक है देन घूरे वॉज ऑल्सो द प्राइम मूवर इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी जो इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी है उसके फॉर्मेशन जो है जी एस घूरे ने करा एंड ऑल्सो अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ द सोशलॉजिकल बुलेटिन इसके पब्लिकेशन का भी काम जी एस घूरे ने ही देखा था अपार्ट फ्रॉम दिस जी एस घूरे ने अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी

मूविंग टू हिस्स थ्योरेटिकल अप्रोच एंड मैथडोलॉजिकल एप्लीकेशन की मतलब वो कौन कौन से आ, किस तरीके से वो फाइंडिंग्स करने में बिलीव करते थे कैसे रिसर्च करने में बिलीव करते थे हम ये सब चीज़ें यहाँ पर जानेंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी जी एस गुरे वॉज नॉट डॉगमेटिक अबाउट द यूज़ ऑफ थ्योरी और मैथडोलॉजी जी एस गुरे जो है किसी चीज़ को लेकर के डॉगमेटिक नहीं थे मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे किसी चीज़ को लेकर के कि आप इसी तरीके से रिसर्च करें ठीक है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज़ द फील्ड वर्क इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज अ टेक्चुअल अप्रोच एज अ पर्सन लाइक्स ठीक है डिस्पाइट हिज ट्रेनिंग अंडर डब्ल्यू एच आर रिवर्स डब्ल्यू एच आर रिवर्स जो थे वो स्ट्रक्चरल फंक्शन थे घुरे का बहुत इन्फ्लुएंस था उन पर लेकिन तब भी ही डिड नॉट कन्फर्म टू द फंक्शन ट्रेडिशन वो कभी भी फंक्शन ट्रेडिशन को इतना नहीं मानते थे ठीक है देन जी एस घुरे ही वॉज ट्रेन इन द क्राफ्ट ऑफ इंडोलॉजी इंडोलॉजी क्या होता है जैसे इंडिया को स्टडी करने के लिए आपको इंडियन टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे इंडिया के बारे में जानने के लिए ठीक है बिकॉज इंडिया इट्स बहुत अलग कंट्री है अलग आइडेंटिटी है अलग तरीके का यहाँ पे चीज़ें हैं सो so जीएस एस जो है इसी चीज़ में ज़्यादा ट्रेंड थे कि वो इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करना चाहते थे ठीक है एंड वॉज नॉट एवर्स टू फील व्यू भले वो इंडोलॉजिकल अप्रोच अपनाना चाहते थे लेकिन कभी उन्होंने फील्ड वर्क को मना नहीं किया कि फील्ड वर्क नहीं करना है ठीक है ही ऑल्सो डिड सर्टन फील्ड वर्क

देन जे एस गुरे वॉज ऑल्सो वेल वर्स्ड इन संस्कृत ठीक है इनको संस्कृत बहुत अच्छी आती थी इसलिए इन्होंने बहुत सारे चीज़ें कोट करें फ्रॉम द वेदाशास्त्र एपिक्स एंड पोइट्री ऑफ कालिदास ठीक है इन सब चीज़ों से बहुत सारे चीज़ें ये निकाल करके अपने टेक्स में कोट करते रहे अपने बुक्स में कोट करते रहे हैं बिकॉज ई वॉज वेली वेरी वेल वर्स्ड इन संस्कृत अगर संस्कृत अच्छी आती है तो ऑबियस ही बात है वेदाशास्त्र बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं एंड यू कैन कंक्लूड अलॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट देन नॉट ओनली संस्कृत ही ऑल्सो यूज द लिटरेचर ऑफ द वर्नाकुलर मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में मीनिंग जैसे कि वो ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र तो मराठी लैंग्वेज में जैसे जो भी मॉडर्न राइटर्स ने लिखा था उनकी बुक्स पढ़ के उन्होंने काफ़ी कुछ डिराइव करा ही ऑल्सो यूज द वर्क ऑफ द मॉडर्न राइटर्स लाइक बंकिम चंद चैटर्जी एज वेल सो दिस वॉज इज कंट्रीब्यूशन

जो सबसे पहली उनकी थेरी या जिसके बारे में उन्होंने सबसे पहले बात करा था वो कास्ट एंड किनशिप था ठीक है विल नो अबाउट दिस इन कास्ट एंड रेस इन इंडिया जी एस घूरे कम्बाइंड हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव टू अंडरस्टैंड द कास्ट एंड किनशिप इन इंडिया जो कास्ट एंड किनशिप इनकी बुक थी इसमें इन्होंने हमें हिस्टोरिकल व्यू उन्होंने यूज करा मतलब कि बुक्स वगैरह से स्टडी करके चीज कास्ट के बारे में जानने की कोशिश करी थी ठीक है देन ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द कास्ट थ्रू टेक्चुअल एविडेंसेज Later he did the comparative study of the kinship in Indo-European countries. What he did पहले तो text से जाना कि caste कैसा uh, exist कर रहा है इंडिया में फिर लेटर उन्होंने comparison किया इंडिया के कास्ट सिस्टम का दूसरी कंट्रीज़ के साथ कि क्या कास्ट जैसा चीज़ दूसरी कंट्री में भी एग्जिस्ट कर रहा है देन ही कंक्लूडेड टू थिंग्स ये करके उनके दो चीज़ें उन्होंने कंक्लूड करी फर्स्ट इज दैट किनशिप एंड कास्ट नेटवर्क इन इंडिया पैरल्स इन अदर सोसाइटीज़ ऑल्सो ठीक है जो कास्ट और सिस्टम जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है वैसा ही सिस्टम दूसरे कंट्रीज़ में भी है जैसे इन्होंने यहाँ पर इजिप्ट का एग्जाम्पल दिया था कि इजिप्ट में जो है ऐसा सिस्टम प्रविलेंट है देन किनशिप एंड कास्ट इन इंडिया सर्व इन पास एज़ इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क जो कास्ट और किनशिप है इंडिया में यह हमेशा से एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क रहा है मीनिंग जैसे कास्ट है भले ही यहाँ पे ऐसा है कि एक ऊपर कहीं पे लाई कर रहा है एक बंदा नीचे कहीं लाई कर रहा है ठीक है बट दे वर इंटीग्रेटेड बिकॉज सबकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थी सिमिलरली विद द किन्स ऑल्सो ठीक है सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सो दे ऑल वर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर ठीक है देन गुरे गिव सिक्स स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम उन्होंने कास्ट सिस्टम के छः फीचर्स दिए सबसे पहला था सेगमेंटल डिविजन मतलब जो कास्ट सिस्टम में क्या होता है सोसाइटी डिवाइडेड होती है हेरिकली डिवाइडेड होती है हेरारिकली मीन्स कोई ऊपर लाई करेगा कोई नीचे लाए करेगा एंड लाइक दिस ठीक है देन कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन मीन्स जैसे कोई ब्राह्मण है उसके ऊपर फूड का रेस्ट्रिक्शन रहता था कि वो जो लो कास्ट है उनसे फूड नहीं एक्सेप्ट कर सकते है. अगर फूड लेते भी हैं तो ही कैन टेक अच्छा फूड और पक्का फूड इट वॉज़ दिस वॉज द concept ऑफ प्योरिटी एंड pollution कि किस तरीके का खाना आप लोअर कास्ट से एक्सेप्ट कर सकते हैं और किस तरीके का नहीं ले सकते हैं देन सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस टू डिफरेंट सेक्शन्स कई सारे ऐसे सेक्शंस थे जिनको फायदे थे जैसे टॉकिंग अबाउट द ब्राह्मण्स उनको हर तरह से फ़ायदा था एंड टॉकिंग अबाउट द लोअर कास्ट उनको हर तरीके से डिसबिलिटीज या दूसरे तरीके से नुकसान ही था देन देर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज मैरिज पर कैसे रिस्ट्रिक्शंस थे ऑब्वियसली द ब्राह्मिन को नॉट मैरिज टू अ लो कास्ट द लोअर कास्ट कूड नॉट मैरिड टू द ब्राह्मण ठीक है इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस थे कि सब इंडो था कि ब्राह्मण्स आपस में शादी करेंगे क्षत्रिय हैं वो आपस में शादी करेंगे दिस वॉज हाउ द थिंग्स वर फंक्शनिंग इन द कास्ट सिस्टम देन देर वॉज लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन का बहुत लैक ऑफ चॉइस था बिकॉज इफ अ पर्सन इज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली और वो वॉरियर बनना चाहता है देन डैट कैनॉट हैपन ठीक है बिकॉज वॉरियर का काम क्षत्रिय का होता है एंड दैट पर्सन विल भी डूइंग डैट वर्क ठीक है भले उसको पसंद आए या ना आए सो so, देर वॉज अ लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन मूविंग ऑन ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ठीक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बुक लिखी थी एक शेड्यूल uh, ट्राइब्स उन्होंने उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल डायमेंशन क्या है जो इंडिया में ट्राइब्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका हिस्टोरिकल कैसा रहा है मतलब बैक इन द टाइम वो कैसे रहे हैं ठीक है ठीके? हाउ आर दे एडमिनिस्टर टूडे उनको कैसे डील किया जा रहा है ये चीज़ें उन्होंने स्टडी करी ठीक है जब उन्होंने ये सब चीज़ें स्टडी करी उस समय जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनका ये मानना था कि जो ट्राइब्स हैं उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है एंड दैट शुड बी मेन्टेन एट एनी कॉस्ट कि जो भी ट्राइब्स हैं सबकी अपनी आइडेंटिटी है ठीक है दे आर अवे फ्रॉम द हिंदूज ठीक है वो हिंदूज नहीं है वो अलग आइडेंटिटी है जंगलों में रहते हैं अलग तरीके से उनका रहन सहन है तो उनको अलग छोड़ देना चाहिए दे शुड बी लेफ्ट इन आइसोलेशन वाई जब घूरे ने अपना रिसर्च किया तो ही फाउंड ही बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स हैव बिन हिंदुआइज आफ्टर अ लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द हिंदूज दे आर नथिंग बट द बैकवर्ड कास्ट हिंदूज जब घूरे ने रिसर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि जो ट्राइब्स हैं उनका हिंदू से बहुत कांटेक्ट हो गया है और कहीं ना कहीं अब वो हिंदू के रूल्स हिंदू के तरीके से रहना सीख गए हैं कहीं ना कहीं उनका हिंदुआइजेशन हो गया है ठीक है तो ही सेट कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं कहीं ना कहीं वो बैकवर्ड कास्ट हिंदूज हैं उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे संथाल भील्स गोन्स जो सेंट्रल साउथ सेंट्रल एशिया में रहते हैं इन सब का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये बात कही थी ठीक है देन एक थिंकर थे वेरियर एल्विन ठीक है इनसे जीएस घूरे की बहुत इस बात बातें फियर्स डिबेट हुआ था ठीक है एल्विन ने अपनी बुक में लॉस ऑफ नर्व्स जो बुक उन्होंने लिखी उसने उसमें उन्होंने कहा कि ट्राइबल शुड बी अलाउड टू लिव इन आइसोलेशन जो ट्राइबल्स हैं उनको अकेले छोड़ देना चाहिए वाइल जी एस घूरे थे उन्होंने कहा कि नहीं उनको हिंदू कास्ट के साथ असिमिलेट कर देना चाहिए हिंदूज़ में उनको मिला देना चाहिए ठीक है लेटर बाद में जो है जी एस घूरे ने फिर रिसर्च किया इन द नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स ठीक है और उन्होंने ये पाया कि उनके अंदर सेसेशनिस्ट ट्रेंड्स हैं मतलब वो अलगाववाद की टेंडेंसी उनके अंदर वो अलग होना चाहते हैं तो इसलिए घुरे ने कहा कि अगर पॉलिटिकली उनको ज़बरदस्ती कंट्री में नहीं यूनाइट किया गया then they can be a threat to the country. okay then जीज़ uh, गुरे gave the concept of rural urbanization theek hai गुरे remained occupied all through his life with the idea of urbanization ठीक है securing the advantage of urban life simultaneously with the nature's greenery उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप nature's की greenery मतलब अच्छे environment में रह करके भी you can हैव दैट अर्बनाइजेशन के अर्बनाइजेशन के एडवांटेजेज भी आपको मिल जाए और एक तरीके से आप ग्रीनरी में भी रह लें ठीक है एंड ही व्यूज अर्बनाइजेशन इन इंडिया वॉज नॉट अ सिम्पल फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ही अर्बनाइजेशन नहीं आए इंडिया में ही ट्रेस्ड संस्कृत टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंटेड एंड डॉक्यूमेंट्स टू इलास्ट्रेट द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स फ्राम द नीड ऑफ मार्केट फिल्ट इन द रूरल एरियाज पहले क्या होता था रूरल एरियाज में पहले लोग खेती करते थे उन्होंने अपना अनाज उगाया जो भी था जो भी सरप्लस चीज़ें उनके पास बचती थी दे यूज टू अक्यूमुलेट एट अ कॉमन प्लेस और वहाँ पे वो जाकर के शहरों में बेच आते थे हर चीज़ को ठीक है एज अ रिजल्ट वन पार्ट ऑफ द विलेज स्टार्टेड फंक्शनिंग एज अ मार्केट ठीक है एक पार्ट विलेज का जो है वो मार्केट की तरफ फंक्शन करता था और वो डेवलप हो जाता था ठीक है बट वॉट हैपन ड्यूरिंग द कोलोनियल टाइम्स जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया द ग्रोथ ऑफ मेट्रोपोलिटन सिटीज़ ऑल्टोर द इंडियन लाइफ उन्होंने उल्टा काम शुरू कर दिया कि जो टाउन्स थे वहाँ पे आउटलेट्स खुल गए वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट हर चीज़ का काम वहीं पे स्टार्ट हो गया ठीक है और जो काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग बनाते थे द लार्ज सिटीज़ एंड बिग कॉम्प्लेक्सेस वट एवर थिंग्स वर प्रोड्यूसिंग उसको ला करके वो लोग विलेजेस में डंप कर देते थे पूरा उन्होंने सिस्टम को ही इन्वर्ट करके रख दिया था ठीक है एंड फॉर घूरे द लार्ज सिटीज़ एंड बिग कॉम्पलेक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च जुडिशरी हेल्थ

एंड जी एस घूरे थिंग्स दैट रिलीजन इज द सेंटर ऑफ टोटल कल्चर हेरिटेज जो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसका सेंट्रल पार्ट कोर पार्ट जो है वो रिलीजन है ठीक है सो इन द बुक दैट ही हैड रिटर्न रिलीजियस कॉन्शियसनेस उसमें घूरे एनालाइज एनालाइजेस थ्री ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन जो सबसे पुराने सिवालाइजेशन है जैसे मेटसोपोटेमियन सिविलाइजेशन इजिप्शियन एंड द हिंदूज इनको एनालाइज़ किया उन्होंने एंड द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ ऑफ मिथोलॉजिकल बिलीफ स्पेक्यूलेशन लाइफ आफ्टर डेथ टेम्पल आर्किटेक्चर इन सब चीज़ों का स्टडी करके इन्होंने इस रिलीजियस कॉन्शियसनेस बुक में लिखा ठीक है देन ही रोट द बुक इंडियन साधुज इसमें इन्होंने क्या कहा ही कंसिडर्स द जेनेसिस डेवलपमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसिटिज्म इन हिंदू रिलीजन जब लोग एसिटिक हो जाते हैं कोई साधु हो जाता है तो वट हैपज देव एवरी थिंग दे लीव देयर फैमिली एंड ऑल एंड दे गो एंड लिव इन जंगल्स फॉर पीस इस तरीके की चीज़ें करते हैं साधुज एंड समहाउ वट हैपन जो हिंदूज की सोसाइटी है उन्होंने उनको एकदम टॉप पे बैठा के रखा हुआ है ठीक है दिस इज वॉट घूरे सेज अबाउट द रिलीजन देन ही टॉक्स अबाउट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन इसके बारे में भी जी एस घुरे बात करते हैं एंड ही सेज दैट जी एस घूरे हियर ही वॉज एक्सट्रीमली कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिटी इन इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड सिचुएशन जो जी एस घूरे थे इनको नेशनलिस्ट भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनके अंदर ये फीलिंग थी कि सब कुछ यूनाइट करके रखो नेशनल यूनिटी इस तरीके की बहुत बातें करते थे ये ठीक है देन ही हैड रिटन थ्री बुक सोशल टेंशन इन इंडिया विदर इंडिया एंड इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी ठीक है इन तीनों में इन्होंने नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन की बात कही है जी एस घूरे सेड कि देर आर सम ग्रूप्स विच कैन बी थ्रेट टू द सोशल यूनिटी ऑफ द कंट्री ठीक है जो कंट्री की यूनिटी है इंटीग्रिटी है उसके लिए डेंजर हो सकते हैं हु आर दे फर्स्ट इज़ द शेड्यूल कास्ट देन द शेड्यूल ट्राइब्स द बैकवर्ड क्लासेज द मुस्लिम्स एज अ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉटीज उनका यह मानना था कि ये पाँच जो लोग हैं दे कैन बी अ थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ द नेशन ठीक है nation, जो नेशन का इंटीग्रेशन है उसके लिए थ्रेट हो सकते हैं उन जो जी एस घूरे थे उनको इस कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है एंड वॉट हैपन जी एस घूरे यूज टू थिंक दैट इट वॉज लार्जली बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ ब्राह्मनिकल इन द वर्ल्ड दैट कल्चर यूनिटी इन इंडिया हैज बिल्ट अप उनका ये मानना था कि सिर्फ ब्राह्मण्स की वजह से जो है वो इंडिया में यूनिटी है ठीक है सो दिस वॉज इज़ कॉन्सेप्ट ऑन नेशन एंड इंटीग्रेशन

सिमुलेट कर लेना चाहिए अपने में हिंदूज को ठीक है देन आर्म चेट थियरिस्ट मीन्स नॉर्मली इफ़ यू सी ऑल द वर्क ऑफ जेस गोरे दे आर बेस्ड ऑन द टेक्चुअल व्यू वो किताबों को पढ़ के उसके हिसाब से उन्होंने हर थियोरी दी है ठीक है इट वॉज नॉट द फील्ड वर्क तो फॉर दिस ही इज़ क्रिटिसाइज कि ही इज आम चेयर थियरिस्ट कि उन्होंने बैठे बैठे सब थियोरी बना दी है ठीक है देन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कैन नॉट बी स्टडी थ्रू इंडोलॉजी काफ़ी सारे लोगों ने इस पर उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि जो इन, आ, इंडियन सोसाइटी है जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसको सिर्फ आप टेक्स्ट बुक्स के थ्रू नहीं पढ़ सकते हैं यू नीड टू डू एक्सटेंसिव फील्ड वर्क आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा जैसे एम एन श्रीनिवास ने किया था बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसक्रिटाइजेशन ठीक है देन जी एस घूरे ने जो एस टी एस सी ओ बी सी मुस्लिम्स थे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थी उनको माना था कि दे आर अ थ्रेट टू द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री ठीक है उनको माना था कि ये थ्रेट हैं ये लोग कैसे थ्रेट हो सकते हैं बिकॉज जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो ये सारी कम्युनिटी ने बहुत एंथुजियाटिकली और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था नेशनल मूवमेंट में तो इट वुड बी रॉन्ग टू से कि ये लोग कभी कंट्री को डिवाइड होने देंगे देन ही मेनली कंसिडर्ड हिंदू कल्चर एज अ इंडियन कल्चर जो जी एस घुरे थे वो ये मानते थे कि सिर्फ इंडियन कल्चर जो है वो हिंदू कल्चर है वो भूल गए थे कि इंडिया में मुस्लिम्स एग्जिस्ट करते हैं और भी दूसरे रिलीजन कल्चर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी स्टडी करनी ज़रूरी है ठीक है सो दीज आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ जी एस घूरे एड विद दिस वे फिनिश द ऑल द टॉपिक्स इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स अगर आपको मेरे एफर्टर्ट्स अच्छे लगते हैं इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू